के लिए हम लोग पहले उसका स्टफिंग तैयारी करेंगे। स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले घी दूंगी, ठीक है, जस्ट 1 स्पून घी। उसमें हम लोग अपना जो कोकोनट है, मैंने यहाँ पे वेट कोकोनट लिया है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें सॉटे कर लेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे एक कोकोनट का बना लिया, ठीक है, इसको मैंने अच्छा से कद्दूकस कर लिया है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा इसको मॉइस्चर के लिए इसको हम लोग थोड़ा सॉटे कर लेंगे। फिर अपना मैं आज गुड़ से बनाऊंगी, गुड़ से वो टेस्टी बनता है, आप यहाँ पे शुगर से बना सकते हो। ओके, तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉटे कर लेते हैं मॉइस्चर रिलीज के लिए, मॉइस्चर थोड़ा इसका ड्राई हो जाए इसलिए। ओके, कोकोनट में अपना ड्राई हो गया है, ठीक है, इसी स्टेज में हम लोग अपना गुड़ दे देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप से थोड़ा 1 टीस्पून कम लिया है। ओके, आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, स्वीटनेस आपको कम चाहिए तो कम करिए, ठीक है। आप यहाँ पे शुगर से ही बना सकते हो, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, गुड़ से ना बहुत अच्छा है, टेस्ट आता है। ओके, तो इसमें थोड़ा मेल्ट हो जाए, सिर्फ गुड़ थोड़ा मेल्ट हो जाए, ठीक है, अच्छा से मिक्स हो जाए, बस उतना ही, हम लोग को और कुछ नहीं करना है। गुड़ के साथ ना यहाँ पे आप 2 टू 3 टीस्पून आप यहाँ पे थोड़ा शक्कर दे दीजिए, तो देखना कितना अच्छा टेस्ट आता है मिक्स करे तो, ठीक है। तो वही यहाँ पे 2-3 टीस्पून दे रही हूँ बस। ओके, दोनों अपना टेस्ट यहाँ पे बहुत अच्छा मिक्स मैच हो जाता है, शुगर एंड गुड़ मिक्स करोगे तो। ओके, सिर्फ दोनों एक साथ मिल जाए बस उतना ही मिक्स कर देते हैं। अच्छा से मिक्स कर दीजिए, गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए, तो इसलिए गुड़ अच्छे से आप एकदम बारीक बारीक करके दीजिए, स्मॉल पीसेस एकदम, तो वो अच्छे से जल्दी जल्दी मेल्ट भी हो जाएगा इसके साथ। आप यहाँ पे चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स भी दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स नहीं दे रही हूँ। इसमें गुड़ का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है, कोकोनट एंड गुड़। ओके, थोड़ा सा इसमें और मिक्स हो जाए अच्छा से, उस स्टेज में हम गैस को ऑफ कर देंगे। ओके, फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा इलायची पाउडर डालूंगी, आपको पसंद नहीं आता इतना ओमिटेड, पर इसमें थोड़ा बहुत अच्छा जाता है इलायची पाउडर। ओके, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून, बहुत अच्छा मैच करता है इसके साथ। बहुत इजी रेसिपी है, तो थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, बहुत अच्छा रेसिपी बनता है, गणपति बापा दिन खुश हो जाते हैं। ओके, तो हम लोग इसका भी गैस को ऑफ कर देते हैं, टर्न ऑफ द गैस, और थोड़ा कूलिंग के लिए हम लोग रख देंगे, ठीक है, अच्छा से मिक्स हो गया है। ओके, गैस को अभी हम लोग ऑफ कर देंगे, टर्न ऑफ द गैस एंड और ठंडा के लिए रख दीजिए प्लेट में, फिर हम लोग इसका डो बनाते हैं। ओके, अभी हम लोग का स्टफिंग ठंडा हो चुका है, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसका डो बना लेंगे। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप्स आटा ले लिया है। ओके, गेहूं का जो आटा होता है उससे बनाएंगे, आप यहाँ पे मैदा आटा मिक्स भी कर सकते हो और सिर्फ मैदा से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेहूं का आटा के साथ बना ली हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा गरम किया हुआ घी देंगे, घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ओके,
और यहाँ पे हम लोग जस्ट 1/8 टीस्पून हम लोग यहाँ पे सॉल्ट देंगे, ठीक है। यू नो ऑलवेज सॉल्ट से हम लोग एनहेंस करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे घी देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे घी गरम कर लिया है, तो थोड़ा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, ओके। गरम घी से इसका अच्छा टेक्सचर आएगा और क्रिस्पीनेस आएगा, ओके। सो हम लोग यहाँ पे गरम घी डालेंगे और अच्छा से इसको हम लोग मसाज देंगे। सो मैंने यहाँ पे 5 टीस्पून घी दे दिया है, ओके, 5.5, ओके। अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, गरम है तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको ऊपर आटा छिड़केंगे पहले। ध्यान रखना यहाँ पे हाथ में गरम चटका ना लगे, ओके। तो अब अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, आटा के साथ इसको क्रम्बल करेंगे। जैसे कि क्रम्बलिंग आता है ना, पूरा एकदम आटा के साथ इसको पूरा मिला लेंगे अच्छा से, ओके। जैसे मेन पॉइंट ये, जो हम लोग का ना क्या होगा, जो मोदक बनेगा बहुत अच्छा क्रिस्पीनेस आएगा ऊपर का, ओके। अब अंदर से एकदम गुई गुई और बाहर से क्रिस्पी, ओके। तो अच्छा से इसका एकदम मिक्स कर लीजिए ताकि हर एक आटा में अच्छा से घी का स्मेल आ जाए, ओके। और एकदम नॉर्मल वाटर, जो गर्म नहीं ठंडा नहीं, आप लोग जो पीते हो नॉर्मल वाटर, उससे हम लोग इसको गूंद लेंगे, ठीक है। देखिए एकदम कितना अच्छा से टेक्सचर आ गया है। अभी हम इसको अच्छा से नॉर्मल वाटर से गूंद लेंगे। ओके, दिस इज टिप ऑफ द डे। आप यहाँ पे गरम घी दीजिएगा, तेल मत दीजिएगा, क्योंकि घी से क्या होता है ना, अच्छा से टेक्सचर भी आता है और अच्छा से फ्लेवर भी आता है, ओके। अभी हम लोग नॉर्मल वाटर से थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे, एक साथ ही मत डालिए, इसको अच्छा से हम लोग गूंद लेंगे। थोड़ा अच्छे से बनाने से बापा जी भी हम लोग को खुश हो जाएंगे, isn't it? बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करिए, बहुत अच्छा सा मोदक बन जाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, ओके। ऐसे करके पूरा सा अच्छा सा डो बना लीजिए, ओके। हम लोग अभी डो से ऐसे करके लेमन साइज बॉल ले लेंगे, ठीक है। जैसे पूरी बेलते हैं हम लोग, वैसा पहले बेल लेंगे। इसमें घी लगाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर घी है ना, सो दैट इज ओके, ठीक है। जैसे हम लोग पूरी बेलते हैं वैसा बेल लेंगे इसको, सिंपल। यहाँ पे हम लोग का जो फिलिंग है वो देंगे अंदर, अच्छे से दीजिएगा, नहीं तो कंजूसी करने से क्या हो, टेस्ट नहीं आएगा, ओके। 1 टीस्पून फुल ऑफ दीजिएगा अंदर, उसके बाद जस्ट ऐसा करके पिंच, ओके। पहले ना ऑल द 4 साइड दे दीजिए, फिर बीच बीच में से और एक दे दीजिए, तो क्लमजी नहीं होगा और अच्छे से आपका प्लेट दिखेगा, ओके। दीदी हो गया, अभी अंदर से थोड़ा राउंड राउंड करके इसको फिलिंग जो है अंदर जाएगा, और ऊपर से हम लोग जो प्लेट्स है ना वो हम लोग पकड़ लेंगे, ओके। सिंपल, सब प्लेट्स को पकड़ के ऊपर की तरफ लेके आइए और यहाँ पे जस्ट गिव ए पिंच। देखिए कितना अच्छे से बन गया, इजंट इट? आपको लगता है यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा एक पिंच निकाल दीजिए, सिंपल, ओके। सी, इट्स इट सिंपल। फिर हम लोग अपना तेल भी गरम कर लेंगे, ओके। तेल ना इज अ टिप फ्रेंड, तेल पूरा एकदम हॉट गरम मत करिए, मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करिए, तो क्या होगा ना, अंदर वो अच्छा से पकेगा, ओके। हम लोग ऐसा करके बाकी का भी बेल लेते हैं थोड़ा,
ओके, बहुत सिंपल है, बापा एकदम खुश हो जाएंगे इतना टेस्टी मोदक खाके, है ना। टीस्पून ऑफ दीजिए अच्छा से भर के, ओके। देन फ्रॉम फोर साइड्स ना, एकदम फोर साइड्स पहले दे दीजिए पिंच, ओके। ये फोर साइड्स देने के बाद बीच बीच में जो गैप है ना उसमें एक एक करके पिंच डालिए, सो सब इक्वल पिंच आता है फिर, इजंट इट। देखिए सब मिस पिंच आ गया। अभी इसको अंदर से, आपको लगता है आपका फीलिंग थोड़ा ज़्यादा है तो जस्ट गिव ए शेक, फिर देखिए अंदर चला जाता है ना। अभी अच्छा से ऊपर से सब प्लेट्स को पकड़ लीजिए एक साइड में, बीच में लेके आइए एंड गिव ए फोल्ड हियर। देखिए है ना, तो आपको लगता है ये पिंच ज़्यादा बड़ा हो गया, जस्ट ऐसा पिंच निकाल दीजिए ऊपर से। देखिए कितना अच्छा मोदक बन गया है ना। तो हम लोग देखेंगे आपका तेल गर्म हुआ कि नहीं, ओके। अपना तेल यहाँ पे गर्म हो गया है, देखिए मैं दिया था टेस्टिंग के लिए। हम लोग अभी एक एक करके मोदक यहाँ पे दे देंगे। लो टू मीडियम में इसको फ्राई कर लेंगे। सोनू मोदक रेडी हो गया, देखिए कितना अच्छा फ्राई हो गया है ना। ऐसे करके आप लोग भी भगवान जी को भोग चढ़ाइएगा। सो हम लोग का मोदक रेडी है, कितना अच्छा यम्मी मोदक बना है, देखिए, ओके। सो योर फ्रेंड्स, आपको रेसिपी अच्छा लगा, ओके। ओके फ्रेंड्स, कैसा लगा आप लोग को रेसिपी बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, ओके। थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट रेसिपी, बाय बाय।